बस ब्लॉगिंग हाँ हाँ फिर ब्लॉग में तू भी आ रहा है आएगा आएगा कहाँ इतना दिन बाद स्कूल से गायब हो उसको यहाँ मिलता है तू एक बार ब्लॉग आज मैं जा रहा हूँ सेकंड हैंड टायर शोरूम का जो आपने यहाँ पर किया जो मुझे पता नहीं था एंड बहुत ही नया नया खोला है क्या सो में जाएंगे एंड ब्लॉग बनाएंगे और आप लोग भी जरूर आना वहाँ पे टायर लेने के लिए तो देखते हैं कैसे टायर मिलता है सो डूट और ब्लॉग को अच्छा लगा डूट एक सब्सक्राइब तो बनता ही है जो न्यू व्यूअर्स हो एंड एक लाइक एंड कमेंट डूट सो भाई एंड ब्लॉग को देखो एंजॉय करो ऑल राइट गाइस वेलकम इन न्यू ब्लॉग सो डूट आज मैं जा रहा हूँ सेकंड हैंड टायर शोरूम सो वहाँ पर जाएंगे एंड पूछेंगे कि कितना कितना रुपये मिलता है टायर एंड उसका प्राइस क्या है सो आज हनुमान जयंती है सो जय श्री राम एंड जय श्री राम डूड एंड कमेंट में जरूर एक जय श्री जरूर बोल देना सो अभी आगे जाएंगे एंड रुकेंगे सो भाई रुकेंगे एंड भाई आएगा तो भाई इंतजार करेंगे उसको मैं ब्लॉगिंग में ले रहा हूँ सो भाई इंतजार करते हैं भाई का एंड भाई को कॉल करता हूँ हाँ हालत खराब है यार भाई आएगा सब निकलेंगे डूड ओह माय गॉड बस ब्लॉगिंग हाँ हाँ फिर ब्लॉग में तू भी आ रहा है आएगा आएगा कहाँ इतना दिन बाद स्कूल से गायब हो उसको यहाँ मिलता है तू एक बार ब्लॉग इसको ब्लॉगिंग तो स्कूल से स्टार्ट किया था ना मैं इतना बड़ा ब्लॉगर बन गया आप तो जो आप बहुत छोटा ब्लॉगर है बहुत छोटा यार तेरे को हर कोई जानता है भाई मैं बोलता हूँ ना कि मैं मेरा भाई दोस्त है यार बात तुम लोग सपोर्ट चाहिए ले ना नंबर भी दे दे तेरा नंबर तो है नहीं मेरे पास 825 कॉल कर दिया हाँ सेव कर लेना मैं तो अपना ब्लैक पैंथर को एकदम मस्त बना के रखा है हाँ क्या करूँ अब थोड़ा विली कम मार अगर इसको भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा हर एक सेकंड देखा विली नहीं मारेगा ना तो होता है ना वो आदत छूट जाएगा क्या इसलिए हमेशा मारो डेली मारो डेली बोलने से डेली मारता हूँ तो बस उस दिन का जो अभी कुछ दिन पहले दो बार गिरा एक बार विली उठाने टाइम आए ना अब डायरेक्ट ब्लॉग बनाने के साथ उसके बाद रैली में जी ओके तो वही है समझे सुलाने टाइम में गिरा ठीक है उसके बाद विली मारने टाइम पहले विली मारने टाइम और वो भी फर्स्ट टाइम गिरा और उसके बाद फिर भी विली तो वही है उस दिन का मतलब कि ब्लॉग में मतलब हाँ इस साइड का टूट गया था और इस साइड का क्या लिक्विड वो लिक्विड कूल गिरा था ना हाँ लिक्विड कूल हाँ हाँ ये यहाँ पे एक स्क्रैच आया है यहाँ पे बस और यहाँ पे हल्का सा और पैर में हल्का चोट लगा नहीं ये प्यार एक ही है प्यार एक से ही होता है भाई प्यार एक ही से होता है लड़की हो भाई का कुछ भी हो समझा हाँ जरूर 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 वही है तो क्या करूँ भाई अभी ज़्यादा निकलता नहीं हो ना घर में रहता हूँ मैं जब निकलता बाई चांस ये अभी ना काम कर रहा ना कुछ कर रहा हूँ तो वही है भाई हाँ मैं दो साल नहीं बनाया ना तो मेरा अकाउंट फ्रीज टाइप में हो गया था क्या व्यू व्यू कुछ नहीं जा रहा था वहाँ देख रहा बाबू आ गया तो फिर वो कर लें हल्का सा बैक कर लें
फोन फ्रीज क्यों हो गया था? मैं 2 साल नहीं बनाया ना वीडियो, इसलिए 2 साल वीडियो नहीं बनाया था, तब मैं था नहीं यहाँ पे उसी के लिए। हाँ फ्रीज हो गया था, मतलब वो ये नहीं, ये फर्स्ट ही चैनल है, ये फर्स्ट चैनल है, इसमें मेहनत मेहनत इसको अनफ्रीज किया, मतलब क्या बोलते बहुत मुश्किल से। हाँ हाँ अनफ्रीज हो गया अभी, अब जस्ट ब्लॉगिंग करते रहना है। जरूर भाई जरूर, अच्छा लगता है। हाँ जी जी जी, और थोड़ा समझ हाँ जरूर, सपोर्ट चाहिए तुम लोगों, सपोर्ट चाहिए। भाई सपोर्ट तो हम पहले से ही बोलते हैं, सपोर्ट कहते हैं तुझे, लेकिन करते भी है भाई अब, लेकिन थोड़ा बहुत सिमल कर चलाएगा जी जरूर। पहला तू तुझे जानते ही तेरे से, हां तू निकल गया है। मेरा डेथ हो गया, डेथ टाइम में चला गया था, तो थोड़ा सा जान बचा था। हेलमेट अभी हमेशा रखता एनी टाइम, अब उतरता भी ना हेलमेट पहना ही रहता हूं मैं, हेलमेट पहन ही रही जी। ये सही बोल रहा है। हां चल ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके भाई ओके। हां जाओ आराम से। ओके 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 बाय बाय। ओ सो अपना स्कूल फ्रेंड मिला, एंड स्कूल फ्रेंड क्या मतलब क्लासमेट। तो क्लासमेट मिला अपना, तो एंड भाई भी आ गया, देख रहे हो पिंक पिंक, गर्ल्स फेवरेट कलर पिंक। सो हल भाई आ गया, अपने स्कूल फ्रेंड मिला था पता है। चलो आज बैठो और निकलते हैं। चलो ओके ओके हाँ। सो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत दिन बाद एक दोस्त मिला, एंड वो भी वो बोलने से मेरा ब्लॉग देखता है, एंड ब्लॉग में देखा था क्या हम मिलते भी नहीं था, तो अभी वो देख लिया, तो सर सही है, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा से जैसे बोल रहा था ना, अच्छा फील हो रहा था क्या, एंड डूड ब्लॉग को देखो, एंजॉय करते रहो डूड। सो भाई भाई एंड सेकंड टायर सुनो, अपने घर के माइक है, एंड ठीक है बोले से, जैसे मैं घर से बाहर निकला तो हाईवे जैसे पहुंचता हूँ उससे थोड़ा आगे में, एंड मैं मुझे डूड मुझे पता नहीं था कि सेकेंड टायर शोरूम है वहाँ पे, एंड वो नया नया खुला है क्या, जस्ट पहले वो एक क्या बोलते सर्विस सेंटर था, सर्विस सेंटर ने बोला जैसे बाइक को ठीक कर देना वही था। माय गॉड उसमें डकर आ गया था अभी, अभी जस्ट स्टिंग पे है ना। तो उसको ऐसे क्या एंड आप लोग बताना, मैं विली जैसे मैं विली जैसे प्रैक्टिस किया, एंड उस टाइम मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, एंड बताना क्या आप लोग ब्लॉग चाहिए विली का, विली प्रैक्टिस मैं कैसे किया, एंड मैं विली कैसे मारता हूँ। सो जरा एक कमेंट जरूर करना यार, आप लोग कमेंट तो है जो मुझे सिखाया खुद कुछ किया, एंड मेरे ब्लॉग में क्या मिस्टेक हो रहा है एंड क्या गलत हो रहा है इसके लिए जरूर बोलना। एंड ये हाईवे भी बनने वाला है, जस्ट आओ कितना एक ये इस साल में बन जाएगा क्या। हाँ मैं जाता हूँ ये जल्दी, ये रोड जल्दी खुल जाएगा, फैमिली तो कभी नहीं छोड़ते हैं, बट क्या बोलते अब। सो भाई डोंट कभी गिरना, गिरने से भी मतलब कभी मतलब हार मत मारना, एंड क्या बोलते बोले ना बहुत कुछ है कि क्या बोलूँ क्या, मैं तो कन्फ्यूज हो रहा है डोंट, जो आप लोग भी जिसे समझो। बस मैं पहुँच ही गया हूँ, थैंक यू, रुकेंगे बात करेंगे। सेकेंड टायर सो डोट स्टार्टिंग कितना से होता है कैसे नहीं होता है, सो आप लोग भी आना।
तो या भैया बाइक मतलब बाइक और वो क्या 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 बाइक का नया नया ना और सेकंड हैंड टायर वो ये रूम है वो रूम में ओके ठीक है। ऑल राइट गाइस सो रूड मैं पहुंच गया हूं एंड बाइक का टायर का रेट पूछते हैं एंड देखते हैं टायर कैसा है। रूड का अगर आना होगा तो आना तो बाइक के पास क्या सो भाई ब्लॉग देखा एंजॉय करो। सो गाइस एंजॉय करो और आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं टायर से और दुकान का मालिक से, तो आप प्लीज़ आ सकते हो अगर आना होगा आपका मन तो। ज़्यादा दूर नहीं है, लोकल में लोकल लड़का लोग के लिए बेस्ट प्लेस है क्या ये जगह आने के लिए, तो यू कैन कम जस्ट एंजॉय योर ब्लॉग्स नाउ। तो देखो डूड कार का टायर एंड बाइक का टायर एंड स्कूटी टायर डूड। सो भाई आना, आप लोग भी आना, आप लोग आना टायर लेना। सो डूड क्या बताऊँ, बहुत अच्छा सा टायर है क्या, बहुत कम रेट में है, इसका भी प्राइस पूछते हैं, प्राइस कितना कितना है वो पूछते हैं। सो भाई देखो तो टायर देखो कितना सारा है डूड, क्या बताऊँ, बहुत चीप प्राइस में, बहुत कम प्राइस में डूड। एंड बाइक का टायर मस्त है टायर बहुत मस्त है क्या, अब आ जाना इसके बाद क्या बोलो यार, मतलब पैसा उतना नहीं होता है तो इमरजेंसी लगाना तो आ जाना टायर लेने के लिए। इसका रेट क्या क्या पड़ेगा, स्टार्टिंग प्राइस 800 रुपये था ना, और स्टार्टिंग हाँ इसमें स्टार्टिंग कितना होता है, इससे 1600 रुपये ना, और ये क्या देख कैसा लगा तेरे को? देख के तो अच्छा लगा, एक्सपीरियंस अच्छा है, यहाँ का बिहेवियर भी अच्छा है क्या, क्वालिटी सब भी अच्छा है, रेट भी मतलब आपका मतलब जिसका जिसका कम बजट है वो आके यहाँ पर आके ले सकता है क्या, मतलब उसके लिए ज़्यादा वो नहीं पड़ेगा कि घर से ज़्यादा लेना पड़ेगा या इनकम नहीं है जेब में, मतलब पैसा नहीं है तो वो आके ऐसे लेके जा सकता है। देख सकते हो मतलब कम ही कम रेट में आपको मिल जाएगा, आप ब्लॉग्स में आप पता चल ही जाएगा आपको, तो
मतलब आगे जाके ब्लॉग में कि मतलब कितना रेट है, मालिक ने खुद बताया कि मतलब कम रेट में मिल जाएगा, सेकंड हैंड टायर भी मिल जाएगा, नया भी मिल जाएगा, बट हम मैं आपको प्रेफर करूँगा आप सेकंड हैंड लो क्योंकि कम बजट में अच्छा क्वालिटी का टायर मिलता है। बस मैं इतने बोलना चाहता हूँ। तो जा रहा हूँ घर, अभी राम मंदिर भी जाना है, डोंट उसके देखेंगे। तो भाई निकलते हैं। ओके थैंक यू। सो गाइस हम टाइगर का दुकान से निकल चुके हैं एंड आप लोग अगर ब्लॉग अच्छा लगा डूड एंड डूड एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर बनता है एंड आप लोग का अगर सब्सक्राइब किए हो एंड आप लोग आओगे तो वही 5% या 10% तक डिस्काउंट हो जाएगा। सो एंड भाई का भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में है। सो डूड जाना भाई, कॉल करना अब पूछना। सो एंड निकलते हैं। ओह माय गॉड गर्मी डूड।